चश्मा तैयार हो गया? जी हाँ, अभी लाया। ये लीजिए। अच्छा सा गॉगल दिखाइए। जी अच्छा। कमला, कमला। प्रेम बाबू, प्रेम बाबू, ये क्या हुआ आपको? कुछ भी तो नहीं। आपका मुंह कितना बड़ा, कितना सूजा हुआ है। हाँ? हाँ? ओ, जरा चश्मा उतारो। पैसे? हाँ। ये लीजिए चश्मा। ला। ठहरो, मैं भी चलता हूं। बाबूजी गागल, फिर कभी। मियां, वो गागल नहीं, लड़की लेने आया था, ले गया। चुपके बहाने बहाने निगाहों से दिल में लगे वो समाने, निगाहों से दिल में लगे वो समाने।
जमाने इशारों से लूटे अदाओं से मारे हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने दिल वाले कहते हैं प्यार देखो कहते हैं प्यार जी ये क्या जादू डाला कि मन भूला भाला संभाले न संभले मनाए न माने हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने यूं ही चुपके चुपके बहाने बहाने निगाहों से दिल में लगे वो समाने निगाहों से दिल में लगे वो समाने नजरों का तेरी हम पे जादू न चलेगा हम पे जादू न चलेगा नजरों का तेरी हम पे जादू न चलेगा हम पे जादू न चलेगा परवाना हो जलाके शम्मा पे जलेगा देखो शम्मा पे जलेगा कहाँ तक छुपोगे कहाँ तक बचोगे के खाली न जाए नजर के निशाने हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने यूं ही चुपके चुपके पिताजी अगले महीने हमारी क्लास के लड़के आगरे जा रहे हैं अच्छा हाँ हर एक लड़के को 20 रुपए देने होंगे और आज ही नाम लिखवाना है पिताजी मैं पिछले साल भी नहीं गया था अब के जरूर जाऊंगा अगले महीने जाना है ना चले जाना तो फिर मैं नाम लिखवा लूँ ना हाँ लिखवा लो भैया मैं आगरे जाऊंगा पिताजी ने कह दिया हाँ कुमार बेटा कहाँ गए थे जी जरा प्रेम से मिलने गया था अच्छा वो मिला नहीं तो सतीश के यहाँ चला गया वहाँ और भी दोस्त बैठे थे उन्होंने मेरे साथ ही बीए का इम्तिहान दिया सब ने इरादा किया है पिताजी के एमए जरूर करेंगे और मैंने भी यही सोचा पहले नतीजा तो आ जाए अजी आप उसकी चिंता ना करें मैं जरूर पास हो जाऊंगा और अगले महीने एमए ज्वाइन कर दूंगा मुझे बहुत शौक है पिताजी अच्छी बात अच्छी बात अगले महीने मुझे बहुत काम करने किशोर को आगरे भेजना है तुझे एमए ज्वाइन कराना है और कमला बिटिया के लिए लड़का तलाश करना है आगे कमला लीजिए पिताजी ठीक है ना ठीक है बेटी बिल्कुल ठीक है अच्छा बेटी अच्छा कुमार दीनानाथ जी आपकी उम्र अब काफी हो गई है और आंखें भी कमजोर हो गई हैं कि कई बार अकाउंट्स में आपसे गलती हुई है इसलिए अगले महीने से
आपको नौकरी से अलहदा किया जाता है। साहब गए, वो जा रहे हैं। मुद्दत और बढ़ा दीजिए हुजूर। मैं मजबूर, मगर मेरी मजबूरी यह है कि किसी भी कीमत पर मुझे काम करना ही चाहिए। जवान बेटी है, उसकी शादी करनी है, लड़कों की पढ़ाई का खर्च है, मेरे सिवाय और कोई नहीं है घर को संभालने वाला। दीनानाथ जी, अब आपसे काम नहीं होगा, आपकी उम्र काफी हो चुकी है, अक्सर आपसे गलतियां हो जाती हैं। अब कोई गलती नहीं होगी, मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं मेहनत से काम करूंगा, मैं मेहनत से काम करूंगा हुजूर, मेहनत से काम करूंगा। दीनानाथ जी, दीनानाथ जी, मेहनत की बात नहीं, आपकी आंखें अब काफी कमजोर हो चुकी हैं। ऑफिस नई आंखें चाहता है, जवान आंखें चाहता है। मैं मजबूर। नई आंखें, जवान आंखें। हुजूर, एक मेहरबानी कीजिए, मेरी जगह मेरे लड़के को रख लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। उसने बीए का इम्तिहान दिया है, जरूर पास हो जाएगा। अच्छी बात, अगर वो पास हो गया तो मैं आपकी जगह उसे दे दूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बड़ी मेहरबानी। कुमार बेटा, कुमार। हाँ पिताजी। आओ बेटा, बैठ। मुझे अफसोस है बेटा, मैं तुम्हें एमए ना करा सकूंगा, मगर हाँ तुम्हारी नौकरी का इंतजाम कराया हूं। ये तो और भी अच्छा पिताजी, एमए मैं प्राइवेटली कर लूंगा। और फिर आजकल नौकरी आसानी से कहाँ मिलती है। शाबाश शाबाश बेटा, अगर तू बीए पास हो गया तो मेरी जगह मिल जाएगी तुझे। मेरे पर्चे बहुत अच्छे हुए हैं पिताजी, मैं जरूर पास हो जाऊंगा। बस तो फिर मैं भी आजाद हो जाऊंगा, बेफिक्र हो जाऊंगा। तू जाने और छोटा जाने, मैं तो कमला की शादी करके काशी चला जाऊंगा। बस अब लड़का तलाश करूंगा इसके लिए। लड़का तो तलाश कर रखा है पिताजी। तुमने तलाश कर लिया लड़का। हाँ पिताजी। तू मेरी सारी चिंताएं दूर कर देगा बेटा। कैसा है लड़का। बहुत अच्छा, वो मेरा दोस्त प्रेम, कमला उसे पसंद है, और कमला को वो, अब सिर्फ उसकी माँ से बात कर लीजिए। अच्छी बात है, मैं उसकी माँ से मिलूंगा कल। लड़का बहुत अच्छा है। सीख लो क्यों शर्माना, झुक जाना कभी मुस्काना, देश पिया के जाना, ओ मोहे देश पिया के जाना। जरा सीख लो क्यों शर्माना, झुक जाना कभी मुस्काना, देश पिया के जाना, ओ मोहे देश पिया के जाना। साजन पास बुलाए, दिल धड़के कदम रुक जाए, जब साजन पास बुलाए, दिल धड़के कदम रुक जाए, वो बढ़ के थाम ले आजा, और बैया पकड़ बिठलाए। शर्माऊं उठना चाहूं, सूझे ना कोई बहाना, मोरे देश पिया के जा।
जरा सीख लो अखियों शर्माना, झुक जाना कभी मुस्काना, देश पिया के जाना वो मोहे, देश पिया के जाना। तो डांटा कर और नौकर है तो नाचा कर। क्यों कान फोड़ रहे थे, क्या काम? जी जरा प्रेम बाबू की माता जी से मिलना है। पहले प्रेम बाबू के मुनीम से तो मिलो, मैं मुनीम घासीराम। आज मैं आपकी शरण लेने आया हूं। मेरी बेटी कमला बड़ी होशियार है, पढ़ी लिखी है। अगर उसे इस घर में सेवा करने का मौका मिल जाए तो मैं अपने आप को बड़ा ही खुशकिस्मत समझूंगा। हाँ क्यों नहीं, पढ़ी लिखी लड़की है, आपको एक नौकरानी की जरूरत है, रख लीजिए बेचारी को। आप समझे नहीं मुनीम जी। हो तब ना, अफीम घंटा खाए बैठे। माँ जी आपके चरणों की कसम, असली अफीम मिलती कहाँ है? किसी से कहिएगा नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूँ। दीना राजी जरा तेरी भाषा में बात कर रहे थे। हाँ मेरी बेटी ऐसे पास है, घर का कामकाज खूब अच्छे तरीके से कर लेती है और हमारा तो घर वही संभाल रही है मुनीम जी। जी हाँ, प्रेम भी हमेशा कमला की तारीफ किया करता है। तो फिर चक्कर क्या है, बोलिए क्या लेना देना है? सिर्फ लड़की, और कुछ नहीं है मेरे पास। मुझे दहेज नहीं, सिर्फ लड़की ही चाहिए। बस अब ये जी चाहता है अगले महीने शादी हो जाए। मुझे ब्लड प्रेशर का दौरा पड़ता है, बहू घर में आ जाए तो बस मैं बेफिक्र हो जाऊं। मैं पहले ही मुहूर्त पे कर दूंगा शादी। प्रेम बाबू क्या बात है, इतने दुखी से क्यों है? तुम्हारे पिताजी हमारे घर गए थे। हाँ गए थे, क्या बात हुई? माँ ने इनकार कर दिया है शादी से। इनकार कर दिया है? हाँ
कमला चलो कहीं भाग चले। भाग चले जी। मैं तो मजाक कर रहा था, माँ तो शादी के लिए रजामंद हो गई। सच? हाँ। लिया हाथ में हाथ निभाना साथ मेरे सजना, देखो जी हमें छोड़ न जाना। जब लिया हाथ में हाथ निभाना साथ मेरे सजना, देखो जी हमें छोड़ न जाना। देखो जी दिल तोड़ न जाना। सजी है और कलियों की डोली, फूलों की बारात सजी है और कलियों की डोली। जीवन भर के लिए पिया मैं आज तुम्हारी होली, आज तुम्हारी होली। घूंघट की रखोगे लाज, वचन दो आज मेरे सजना, देखो जी मुख मोड़ न जाना। देखो जी दिल तोड़ न जाना। इस दिन मेरी गवाही नीले अंबर वाला देगा, इस दिन मेरी गवाही। सदा ये प्रीत निभाऊंगा मैं, सदा है प्रीत निभाई, सदा है प्रीत निभाई। दुनिया में प्यार का नाम न हो बदनाम मेरे सजना, देखो जी दिल तोड़ न जाना। साथ कभी ना छूटे चाहे दुश्मन बने जमाना, देखो जी हमें छोड़ न जाना। देखो जी दिल तोड़ न जाना। कमला, रस्म और रिवाज के मुताबिक शादी फिर होती रहेगी। मैं टिमटिमाते हुए तारों को गवाह बनाकर आकाश के मंडप के नीचे, मंदिर के सामने, पृथ्वी की वेदी पर तुम्हें अपना जीवन साथी बनाता हूं। और ये देखिए सुहाग का टीका, नमूना बड़ा अच्छा है सरकार। मेरा ख्याल है ये ठीक है कुमार। ठीक है पिताजी। बस तो फिर इसी नमूने का बना दो, एक महीना और 20 दिन रह गए हैं शादी। तब तक तो मैं 20 चीजें बना दूंगा सरकार। मुनीम जी, ये हार कमला के गले में कितना सुंदर दिखाई देगा।
क्यों भाई, इस डिबिया के कह आने दूं, मेरी अफीम की डिबिया खो गई है। मुनीम जी, ओहो माजी, मेरी अफीम की डिबिया खो गई है ना, वही दिमाग में घूम रही थी। क्या सुंदर हार है, कमला देवी के गले में कितना अच्छा रहेगा। वाह सुनार सा, वाह, जवाब नहीं है, आपका भी और आपके हार का। कपड़ा भी आ गया, चार दिन के बाद जेवरात भी तैयार हो जाएंगे, बस बारात के खाने पीने का सामान और मंगवाना है। कल तो आ जाएगा ना तेरे इम्तिहान का नतीजा? हाँ पिताजी। बस तो फिर नौकरी भी लग जाएगी, घर का भार संभालने वाला तो कोई हो जाएगा। देख तू तेरे होते हुए कितनी जल्दी हो रही है तैयारी। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्ते बिहारीलाल जी। नमस्ते। मेरा बेटा पास हो गया है, फर्स्ट आया है फर्स्ट। मिठाई खिलाओगे? शाम को खिलाऊंगा, कुमार को साथ लेकर आऊंगा। कुमार, कुमार बेटा। कुमार। क्या हुआ, क्या हुआ? कुमार तू पास हो गया बेटा, फर्स्ट आया है कुमार, फर्स्ट आया है कुमार। भैया, पिताजी, बेटी, ये क्या हो गया बेटी? मैं लुट गया बेटी, मैं लुट गया। कुमार, कुमार, पिताजी, पिताजी। कौन है कमला बेटी? डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, 10 दिन रह गए हैं मेरी बेटी की शादी के, आज तो खुल जाएगी ना मेरी पट्टी? अभी खुलता हूं। मेरी आंखें, पिताजी, मेरी आंखें, पिताजी, कमला बेटी, कुमार के आ गया, मेरी आंखें भी चली गई। धीरज रखो,
धीरज रखो कमला। माजी, प्रेम बाबू की शादी कमला से करोगी तो दहेज में आएगा वो अंधा बाप और मुंह दिखाई में आएगा वो 12-13 साल का किशोर। पिंसल बांध देना दोनों की। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। किसी अच्छे घर की लड़की से शादी कीजिए प्रेम बाबू की और खूब दहेज वसूल कीजिए। मुझे दहेज नहीं चाहिए मुनीम जी, भगवान का दिया सब कुछ है। हाँ, एक अंधे की कमी है। माँ जी याद रखना, उनके आते ही तुम्हारा ठिकाना नहीं है इस घर में। घासीराम तो गधा है आपकी नजर में, पर कह देता हूँ बड़ों ने कहा है दीवार खाई आलो ने और घर खाया थालो ने। ठीक है, मैं प्रेम की शादी किसी दूसरी लड़की से करूंगी। माँ, मैं कमला के साथ ही शादी करूंगा। लेकिन उसके अंधे बाप को कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा। माफ करिएगा प्रेम बाबू, घासीराम ने तो हमेशा फायदे की बात की है और फायदे की ही करेगा। अंधे को नौता दो और दो को खिलाओ। आप चुप रहिए मुनीम जी। बहुत अच्छा, बड़ों ने कहा है मालिक के सामने मुंह ना खोलो। माँ, चाहे कुछ भी हो, मैं कमला के साथ शादी करूंगा। माँ जी, एक बात कहूं, जब बस में नहीं औलाद तो घर समझो बर्बाद। क्या वक्त है मुनीम जी, घर बर्बाद हो मेरे दुश्मन का, वो चाहे जिससे शादी करे। नमस्ते, आइए आइए आइए। कहिए, हुए जेवरात तैयार? जी हाँ, तैयार है। ये लीजिए, देखिए इसमें ये हार है, ये बुंदे हैं और ये अंगूठी है, संभाल लीजिए। और ये रही कड़ों की जोड़ी, बंद कर लीजिए। और ये रही चूड़ियां, किसी को दिखला रहे थे तो अच्छा था। कैसी बातें करते हो रामनाथ जी, मुझे क्या आप पर इतबार नहीं? ये तो आपकी कृपा है। और ये लीजिए सुहाग का टीका। काश मैं इसे देख पाता। अच्छा, मैं चलता हूं रामनाथ जी। नमस्ते। नमस्ते। पिताजी। बेटा जरा देख तो, तेरा सुहाग का टीका कहां गिर गया? ये लीजिए। पिताजी आप अकेले क्यों चले गए? कुछ नहीं बेटा, यूं ही चला गया था, यूं ही चला गया था। पिताजी आप इस तरह अकेले मत चला करा कीजिए। बेटी आहिस्ता आहिस्ता आदत तो डालनी चाहिए, कब तक तुम्हारा सहारा लेता रहूंगा? जब तक भी हो सके। किशोर पिताजी का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। पिताजी अगर भैया होते तो आप इस तरह क्यों ठोकरे खाते फिरते? तो फिर मैं अंधा ही क्यों होता बेटे? आप अंधे हो गए, भैया छोड़कर चले गए, दीदी भी चली जाएगी शादी के बाद, बड़ी मुसीबत आ गई। पिताजी कौन कमा कर लाएगा, कौन खाना बनाएगा? हम दोनों मिलकर बना लेंगे बेटे। नहीं, मैं बनाया करूंगा, लिखना पढ़ना सब छोड़ दूंगा, मगर आपको तकलीफ न उठाने दूंगा। मेहनत मजदूरी कुछ भी करके दो चार आने कमा लाया करूंगा। नहीं, नहीं मेरे बच्चे नहीं, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा, तेरी खातिर कुछ भी करूंगा। ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे, एक पैसा दे दे। ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे।
मेरी जेब रहे ना खाली, ओ तेरी जेब रहे ना खाली, तेरी रोज मने दिवाली दिवाली, तू हर दम मौज उड़ाए कभी न दुख पाए, ओ बाबू एक पैसा दे दे, एक पैसा दे दे, ओ बाबू हो जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे। ये बच्चा दुआएं देगा तेरा बिगड़ा काम बनेगा, इस रात तो नींद नहीं आए भूख तड़पाए, बाबू एक पैसा दे दे, एक पैसा दे दे, ओ बाबू हो जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे। किस्मत फूटी दुनिया रूठी छूटे सभी सहारे, पेट खातिर बने भिखारी फिरते दर दर मारे, पेट खातिर बने भिखारी फिरते दर दर मारे, पिताजी पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा कभी हुआ है? लड़की पराया धन है, तू हमारी फिक्र ना कर बिटिया, तेरा सुख हम दोनों का सुख है। और आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, किशोर को पढ़ा लिखा कर किसी लायक बना देना ये मेरा कर्तव्य है। पिताजी अभी मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा ना कह बेटी, तुझे शादी करनी ही होगी। नहीं पिताजी, जब तक किशोर किसी लायक नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। नहीं प्रेम बाबू, जब तक मेरा भाई किसी लायक नहीं हो जाता मैं शादी नहीं कर सकती। कमला कमला, तुम किशोर की कोई चिंता ना करो, मैं उसे खूब पढ़ाऊंगा और अगर भगवान ने चाहा तो उसे किसी लायक भी बना दूंगा। लेकिन पिताजी की देखभाल भी तो करनी है मुझे, वो अंधे हैं। मेरी आंखें उनकी आंखें हैं कमला, हम उन्हें अपने साथ ही रखेंगे। नहीं प्रेम बाबू, वो ऐसा नहीं करेंगे, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। शादी के बाद वो बेटी के घर रहना बिल्कुल पसंद न करेंगे। प्रेम बाबू मुझे 7-8 साल के लिए माफ कर दो, मैं पिताजी के टूटे हुए दिल को तसल्ली देना चाहती हूँ। जब तक किशोर बड़ा नहीं होता मैं कुमार बनकर उनकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन कमला, अपनी कमला को मजबूर न करो, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारे ही रहूंगी। उठो कमल, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। माँ जी, बड़ों ने कहा है आज का काम कल पर मत छोड़ो। 12 साल हुए, रात को मेरी घरवाली को दौरा पड़ा था, वह कुट्टे भूल गई, कितना प्यार करती थी मुझे। माँ जी
और मैं शादी नहीं करूंगा। चुप रहो, मैं तुम्हारी शादी की बात थोड़ी कर रही, मैं तो प्रेम की शादी की बात कर रही हूँ। माजी, आपको भी ब्लड प्रेशर के दौरे पर थे, मेरे मुंह में कीड़े पड़े। प्रेम बाबू की शादी के पहले ही अगर आपको कुछ हो गया तो ये घर तो भूतों का घर हो जाएगा। मुनीम जी, मैं इसी मुहूर्त में उसकी शादी करूंगी, वो तो पगला है। बड़ी पगली है कमला। किशोर, चल तू मेरे साथ, शादी इसी मुहूर्त पर होगी। इसी मुहूर्त पर होगी शादी। शादी इसी मुहूर्त पर होगी? हाँ हाँ, इसी मुहूर्त पर होगी, यही कहने आया हूँ। बड़ी पगली है कमला। कमला पगली नहीं, वो हमें पागल बना रही है। उसने मेरे लड़के को पागल बना दिया है। वो ठहर सकती है 7 साल तक, मगर मैं नहीं ठहर सकती। चले जाओ यहाँ से, मैं प्रेम की शादी किसी दूसरी लड़की से करूंगी। ऐसा न कीजिए, ऐसा न कीजिए, मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं समझाऊंगा उसे। आप चिंता ना करें, मैं कमला से ही शादी करूंगा। प्रेम बाबू, बेचारी माजी क्या 7 साल तक जिंदा बैठी रहेंगी? आप चुप रहिए मुनीम जी। बहुत अच्छा। प्रेम, तुम्हें इसी मुहूर्त पर शादी करनी होगी। मेरा इरादा पक्का है माँ। चलिए पिताजी। प्रेम, अभी आता हूँ। माँ का ये अपमान, घोर कलयुग आ गया, मुझसे ये नहीं देखा जाता। हे भगवान, अपने को तो तू उठा ले, बड़ी मेहरबानी होगी। हरे राम हरे राम। आप बेफिक्र रहिए, मेरी शादी कमला के साथ ही होगी। तेरे अधीन है बेटा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। आप फिक्र न कीजिए पिताजी। किशोर, पिताजी को संभाल कर घर ले जाओ। प्रेम। हाँ माँ। तो तू कमला से ही शादी करेगा? हाँ माँ, मैं उसे वचन दे चुका हूँ। क्या वचन दे चुका है? मेरे बंदे के बाद शादी करने का? ऐसा ना कहो माँ, मैं अभी शादी कर लेता, मगर वो मजबूर है। मैं भी मजबूर हूँ। तेरा मन रखने के लिए मैं अच्छे अच्छे घर की लड़कियों को मना करती रही, मगर अब मैं तेरी शादी करके ही रहूंगी। माँ, अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो इसी मुहूर्त पर किसी भी लड़की से शादी कर। ऐसी हट ना करो माँ, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरी भी मौत का सवाल है। मैं तुझसे साफ कह देती हूँ, अगर तूने मेरा कहा ना माना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे इस तरह मजबूर करके मेरी जान ना लो माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद ना करो। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? तेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए ही जन्म दिया था? मैं तेरी दुश्मन हूँ? ठीक है ठीक है, मेरे मरने के बाद तो कमला से ही शादी करना। ले, मैं हट जाती हूँ तेरे रास्ते से। ये क्या कर रही हो माँ? वही जो तू चाहता है। माँ, माँ, छोड़ दे, अभी छत से कूद कर जान दे देती कि शादी करना कमला से। माँ, माँ सुनो तो। तुझे तेरे बाप की शौकत है जो तूने मुझे रोका। माँ, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ। ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। कुछ तो सोचो माँ। सोच लिया। अच्छा माँ, जो तेरी मर्जी। बेटा, प्रेम बाबू, आपने फर्ज अदा कर दिया औलाद का, खुश हो गई माँ जी। मुनीम जी, ये खत आप कमला को पहुंचा दी। कमला, आज से 15 दिन मेरी जिंदा लाश को सजाया जाएगा। बाजे गाजे के साथ उसका जनाजा निकलेगा। मुझे माफ करना कमला, मैं मजबूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ। तुम्हारा प्रेम। Thank you.
जा रही है, चलो छत पर से देखें, चलो ना। Oh,
सपनों से मीठे गीतों से प्यारे वो दिन कहाँ गए मेरे वो दिन कहाँ गए। कमला प्रेम बाबू कमला मुझे माँ ने शादी करने के लिए मजबूर कर दिया था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं प्रेम बाबू न शिकवा। मैंने शादी नहीं की अपने बाप के लिए तुमने शादी की अपनी माँ के लिए। हाँ कमला लेकिन मैं प्रेम तुम्हीं से करता हूँ। प्रेम बाबू मेरा तुम्हारा प्रेम छोटी सी बदली की छाया थी और राजमहलों की ख्वाहिश करने वाले गरीब का सपना था टूट गया। नहीं कमला प्यार सपना नहीं सच है अमर है। मैं जिंदगी भर उसी सच्चे प्यार की उपासना करूंगा। सच्चा प्यार शादी के बाद शुरू होता है उसमें विश्वास और बंधन होता है प्रेम बाबू। मगर ये शादी नहीं मजबूरी है कमला। मजबूरी में सुख नहीं दुखी मिलता है। मैं दुखी हूं कमला मैं तुम्हारे प्यार का सहारा चाहता हूं। मैं सिर्फ तुम ही प्रेम कर सकता हूं कमला। तुम्हारे प्रेम के हकदार मैं नहीं तुम्हारी स्त्री है तुम्हें सिर्फ उसी को प्रेम करना चाहिए। कमला प्रेम बाबू अपने आप को पहचानो तुम शादीशुदा हो तुम्हें मेरा हाथ नहीं उसका हाथ पकड़ना चाहिए पति का फर्ज अदा करना चाहिए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ प्रेम बाबू तुम उसके पास चले जाओ और ये अंगूठी उसे मेरी तरफ से भेंट दे देना। प्रेम बाबू श्यामा मेरी तरफ देखो ये घर इसकी दरो दीवार सब कुछ तुम्हारा है श्यामा। मेरा दिल भी चुप क्यों हो गए श्यामा। मेरा दिल उस पंछी की तरह है जो उड़ने से मजबूर हो गया बसेरा लेने से पहले ही जिसके पंख टूट चुके। मेरा दिल निराधार है श्यामा। मैं समझी नहीं। ना समझना ही अच्छा है। खैर छोड़ो इस बात को लो ये अंगूठी पहन लो। तुम ही पहना दो ना। रुक क्यों गए पहनाओ ना। कमला कमला ये कमला कौन है। माफ करना श्यामा ला अंगूठी पहनाओ। नहीं पहले ये बताओ ये कमला कौन है। जिसे खोकर मैं तुम्हारे पास आया हूं जिससे निराश होकर मैं तुम्हारा बन गया हूं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत करते हैं। बहू रानी मोहब्बत से पेट नहीं भरता। ये तिमाजिला मकान धन दौलत सभी कुछ तो तुम्हारा है। तुम्हारा मतलब मैंने इस मकान से शादी की है उनके रुपए पैसे से शादी की है। नहीं नहीं ये मैंने कब कहा। शादी तो प्रेम बाबू से ही की है। वो मेरे नहीं बन सकते।
सकते मुनीम जी। औरत धन दौलत नहीं, पति का प्रेम चाहती है और वो मुझे जिंदगी भर नहीं मिल सकता। बहू रानी, मैं अफीम खाता हूँ, खूब खाता हूँ, नशा चढ़ता है उतर जाता है, एक दिन प्रेम बाबू का नशा भी खुद बखुद हिरन हो जाएगा। मुनीम जी, आप क्या जाने प्यार के नशा को? बहू, मैंने जो कुछ किया है तुम दोनों के अच्छे के लिए ही किया है। बहू रानी, बड़ों ने कहा है बड़े जो कुछ करते हैं ठीक ही करते हैं, और छोटे भी जो कुछ करते हैं ठीक ही करते हैं। हद हो गई माजी, बड़ा गर्म दिमाग है बहू रानी का, भगवान खैर करे कैसे गुजर होगी इनके साथ। ये शादी करके मैंने तो अपना बुढ़ापा खराब कर लिया। अच्छा पिताजी, मैं चलती हूँ। बेटी, मेरी जिंदगी तेरे लिए मौत बन गई। क्या कह रहे हो पिताजी? ठीक कह रहा हूँ बेटी, ठीक कह रहा हूँ। तूने अपना जीवन बलिदान कर दिया मेरे लिए। मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ बेटी, जो मेरे पेट की आग बुझाने के लिए तू नौकरी कर रही है। पिताजी, ये तो मेरी खुशकिस्मती है, और फिर आपके लिए ही नहीं, मैं तो किशोर के लिए भी नौकरी कर रही हूँ। उसे पढ़ाना लिखाना है, वही तो हम दोनों का सहारा होगा पिताजी। अच्छा, मैं जाती हूँ। अच्छा बेटी। मैं लाए कमला से, बहुत दुखी होगी तुम्हारे बिना। तुमसे कई बार कहा है कि ऐसी बातें ना किया करो मुझसे। क्यों जी, क्या कह दिया है मैंने? यही तो पूछा है कि मैं लाए कमला से। तुम तो पागल हो गई हो। पागल ना होती तो मुझे घर छोड़कर चले जाती उसके पास। एक से शादी और दूसरे से मोहब्बत। अकल से काम लो श्यामा, मेरा कमला के साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, मुझ पर यकीन करो। हाँ, मैं यकीन कर लूं, और तुम उससे खूब मिला करो। कच्ची गोलियां नहीं खाई मैंने, अब तो या वो शहर में रहेगी या मैं। अगर तुम्हारी यही जिद है तो हम कल ही ये शहर छोड़ देंगे। बैठिए मुनीम जी। क्या बैठिए, बड़ों ने सच्ची कहा, औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, चाहे तो नरक। जब से श्यामा देवी आई है घर नरक बन गया है नरक। कमला बेटी आ जाती तो वाह वाह, घर बर्बाद हो गया है जी। प्रेम बाबू शहर ही छोड़कर चले गए, साथ में अपनी महारानी को भी ले गए, अकेली पड़ी है माजी यहाँ। बड़ों ने सच्ची कहा है, मेरे मन कुछ और है, करता के मन और। क्या सोचा था माजी ने, क्या हो गया, चाहे पीऊंगा बेटी। कमला बेटी, चाहे ला मुनीम जी के लिए। नमस्ते पिताजी। नमस्ते जी। नमस्ते बेटी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आठवीं में। आठवीं में, शाबाश शाबाश। दीना राजी, इस बच्चे को मुझे दे दीजिए, मेरे एक भांजी, बड़ी सुंदर, बड़ी होशियार, बड़ी समझदार। मुनीम जी, अभी तो इसे बड़ी मंजिलें तय करनी। कमला जैसी बहन जिसकी सब मंजिलें आसान होती, इसकी शादी मैं करूंगा अपनी भांजी के साथ। अच्छी बात है। लीजिए मुनीम जी। बेटी, मैंने तुम्हारे पिताजी से सब तय कर दिया है, किशोर की शादी मैं अपनी भांजी से करूंगा। तुम इसे अच्छा पढ़ा लिखा दो, इसकी शादी कर दो, और फिर आराम से जिंदगी बसर करें। यही तो हमारा सब कुछ है मुनीम जी। इसकी जिंदगी बनाने के लिए मैं अपनी जान तक लगा दूंगी। सीधे स्कूल जाना और स्कूल से सीधे घर वापस आना। अच्छा। Thank you.
नमस्ते कमला बहन। नमस्ते मास्टर जी। क्या किशोर की तबीयत अच्छी नहीं? तीन चार दिन से स्कूल नहीं आ रहा। स्कूल नहीं आ रहा? फिर कहाँ जाता है? मार इसको। तेरी। चलो छुट्टी का वक्त हो गया। अच्छा कहाँ से आ रहे हैं आप? स्कूल से। स्कूल से? स्कूल से? धूल बोल रहा है मुझसे, धूल बोल रहा है मुझसे। दीदी दीदी, अब मैं रोज स्कूल जाया करूंगा। दीदी मैंने तुमसे झूठ बोला। दीदी मुझे मारो, मुझे और मारो, मुझे और मारो। दीदी मेरे किशोर, मोहम्मद किशोर। बेटा किशोर। कमला बेटी, किशोर। हाँ पिताजी। अरे इतनी आवाजें लगाई क्या कर रहा था? कमला कहाँ है? ये रही पिताजी। अरे तुम दोनों की आवाजें भारी सी क्यों मालूम होती हैं बेटा? और मेरा मुंह लड्डू से भर रहा था पिताजी। दीदी ने मुझे लड्डू दिए खाने को। अच्छा अच्छा। कमला तूने गोला मंगवाया था? हाँ पिताजी, कल भाई दूज है ना। ये ले। ले किशोर, दो रुपए। आज भाई दूज है ना, कमला को भेंट दे देना। वाह पिताजी, दीदी के कमाए रुपए और दीदी को ही भेंट दूं? मैं उस दिन भेंट दूंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और कमाने लगूंगा। बेटा खुश रहो बेटा। दीदी ये पिछले छह साल की और ये इस साल की। तूने तो सारा कर्जा चुका दिया भैया। दीदी मैं तो सात जन्म लेकर भी तुम्हारा कर्जा नहीं चुका सकता। तुमने मेरे लिए अपने सुख का बलिदान कर दिया, मुझ पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी तुमने। ये तो मेरा फर्ज था किशोर, तुझे अपने पैरों पर खड़ा देखकर जो मुझे सुख हो रहा है उसे मैं ही समझ सकती हूँ। और मुझे जितना दुख हो रहा है उसे मैं ही जानता हूं। बीए पास कर लेने से, नौकरी पा लेने से तो कहीं अच्छा था कि मैं दर दर की ठोकरें खाता, तुम्हारे फूले फले घर के दरवाजे पर आता, मैं बहन कहकर पुकारता, फिर हरत पर तरस खाती, मेरे लिए आंसू बहाती। अरे किशोर तू रो रहा है जी, आंसू पर पगले? मेरे आंसू ही पूछना चाहती है दीदी, तब भी विचार करो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने लिए कुछ जीवन साथी। किशोर एक बार भगवान पर चढ़ाएगा फूल, दोबारा चढ़ाया जाता है कहीं? अब तुम जो तेरे लिए जीवन संगी तलाश कर लिए। अपना वादा, अपनी भांजी का फोटो लाया हूँ। अरे ये क्या, बिहार के रो रही हो तुम? मुनीम जी खुशी से आंखें भर आई। किशोर बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, कमाने खाने लगा है ना, इसीलिए तो इसकी शादी की बात करने आया हूँ। कब कर रही हो इसकी शादी?
शादी की बात तो पिताजी से कीजिए। मैं भी कैसा गधा हूँ, बच्चों से क्या बात कर रहा हूँ। कहाँ है दीना नाजी? मैं ये रहा मुनीम जी। नमस्कार दीना नाजी, अपनी भांजी का फोटो लाया हूँ, तारा नाम है, लो देख लो। काश मैं देख सकता मुनीम जी। मैं भी कितना पागल हूँ। बेटी तुम पसंद करके बताओ। बस इसे पसंद आ गई तो मुझे भी पसंद है। मुझे तो पसंद है पिताजी। बस तो फिर शादी पक्की मुनीम जी। क्यों, पसंद है ना? तुम्हें पसंद है दीदी तो मुझे भी पसंद है। सदा सुहागन रहो मेरी भाभी, जुग जुग जियो भैया। भगवान ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। आओ। चाय बनाऊं पिताजी? अभी नहीं बहू, कमला और किशोर को भी आ जाने दे दफ्तर से। दीदी नहीं आई अभी क्या? अभी तो नहीं आई। किशोर, ना मालूम आज कमला को क्यों देर हो गई। आ गई दीदी। दीदी क्या तबीयत अच्छी नहीं? अच्छी हूँ किशोर, दफ्तर में बहुत ही काम करना पड़ा आज। तुम्हें कितनी बार कहा है दीदी, अब तो नौकरी छोड़ दो। हाँ दीदी, अब तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। इनके होते हुए तुम नौकरी करो कितना बुरा लगता है, मगर हर्ज भी क्या है, करती रहूंगी जब तक होगी। नहीं बेटा, अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं, अब तू आराम से घर बैठ। रोज कहता हूँ पिताजी, मगर मानती ही नहीं। देखो दीदी, बुरा मानो या भला, अब मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा, आज ही इस्तीफा लिख देता हूँ। मुनीम जी, ये कल से आपकी छुट्टी। छुट्टी काहे की माँ जी, मैं कोई बीमार हूँ? नहीं मुनीम जी, लेकिन कल से आपको काम पर आने की जरूरत नहीं। पर क्यों, फिर मैं तनख्वाह किस बात की लूंगा? तनख्वाह मैं आपको अच्छी दिए देती हूँ, लेकिन कल से आपकी नौकरी खत्म। नौकरी खत्म? बाजी ऐसा नहीं कीजिए, मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। उम्र भर तो इसी घराने की नौकरी की है, और बुढ़ापे में दर दर का मारा मारा फिरूंगा। बाजी मैं आपके चरणों की कसम खाकर कहता हूँ, अब मैं अफीम नहीं खाऊंगा। कान पकड़ता हूँ, माफ कर दीजिए। मुनीम जी आप खूब अफीम खाइए, मैं काशी जा रही हूँ, अब वहीं रहने का ख्याल है। तारा, तारा। मामा जी, मामा जी। बेटी ला रही। मामा जी ये सामान क्यों ले आए? इसे रखने को जगह चाहिए, सर छिपाने को साया चाहिए। नौकरी छूट गई, अपना घरबार नहीं, तेरे सिवा कोई रिश्तेदार नहीं, चलाया हूँ तेरा सहारा लेने। बेटी तू खामोश हो गई, चला जाऊँ वापस? वापस वापस तो जाएंगे मुनीम जी, आप ही का घर है, शौक से रहिए, जो रुके सुखे हम खाएंगे, आप भी खाइए। जीती रहो बेटी, जीती रहो। जो भांजी को कहना था वो तूने कहा, बड़ों ने सच कहा है, जीवन में अपने पराए हो जाते हैं और पराए अपने हो जाते हैं। इसी कोठरी में रह जाऊंगा, पर ही तो रहना है। हद तेरे की, बिल्कुल खत्म हो गई अफीम। मुनीम जी अफीम बुरी चीज है, छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़नी पड़ेगी दीना नाथ जी, आमदनी घटती जा रही है, खा जा रहा है। पिताजी मैं बाजार जा रही हूँ, आपको कुछ मंगवाना है? कुछ नहीं बेटी। कमला बेटी आज से सामान मैं लाया करूंगा। आप क्यों तकलीफ उठाते हैं मामा जी? बेटी इसमें तकलीफ काहे की, बड़ों ने कहा है घर के छोटे बड़े सबको काम करना चाहिए,
और अपना तो उसूल है, काम नहीं तो भोजन नहीं, ला थैली और पैसे, लिखा सामान। हाँ बेटा, एक रुपए की चीनी, दो रुपए की दाल, आठ आने का धनिया। एक रुपए की चीनी, दो रुपए की दाल, आठ आने का धनिया। एक रुपए की बारह आने की चीनी, डेढ़ रुपए की दाल और चार आने का धनिया कर दो। आई आई ये मुनीम जी, लाल दो रुपए की अफीम दो। बस आज तोला भर तो लो मुनीम जी। उधार दो तो छिटाक भर ले लूं। बड़े बुरे दिन जा रहे हैं मोटू राम, किसी तरह बटोर बटार के दो रुपए ले आया। अच्छा अच्छा, चीनी तो एक रुपए की मालूम नहीं होती, मामा कम थोड़े ही लाए होंगे। लो, दाल भी कम है, दो रुपए की मंगवाई थी। अरे नमक भी कम है और धनिया भी बाव भर नहीं। सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। जिंदगी में लाखों रुपए का व्यापार किया, किसी माई के लाल में उंगली नहीं उठाई, आज पांच रुपए का सामान लाया तो चोर बन गया इनकी नजर में। नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा, हो सकता है दुकानदार ने आपको ठग लिया हो, या मैं ही गलत समझ रही हूँ। नहीं नहीं, मैं चोर हूँ, उचक्का हूँ, पानी नहीं पीऊंगा इस घर में, जाता हूँ। मामा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। आज दीदी ने मामा का बड़ा अपमान किया। दीदी ने? हाँ, पहले तो उनसे सामान मंगवाया और फिर इल्जाम लगा दिया, कहने लगी कम है सामान। अगर दीदी ने कहा है तो जरूर कम होगा। इसका मतलब मेरा मामा चोर है? मैंने ये तो नहीं कहा। दीदी तो कहती है? दीदी कहती है तो शायद सच हो। अगर दीदी का कहना सच है तो मेरा भी कहना सच है, दीदी खुद चोर है। खबरदार जो दीदी को चोर कहा, जबान खींच लूंगा। खींच लीजिए, मैं चोर हूँ, मेरा मामा चोर है, जबान खिंचवाने के लिए तो यहाँ आई हूँ। पिताजी, बात का बतंगड़ बन गया, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था, तारों ने उल्टा ही मतलब ले लिया मेरे कहने का। तू इस जरा सी बात के लिए दुखी क्यों होती है बिटिया? कभी कभी जरा सी चिंगारी भड़क कर आग की शक्ल में बदल जाती है पिताजी, न जाने किशोर भी क्या सोचता होगा। अरे जिस भाई पर तूने अपना जीवन निछावर कर दिया, वो कभी तेरे लिए बुरा नहीं सोचेगा। अव्वल तो बहू कोई ऐसी बात कहेगी नहीं, और कहेगी भी तो क्या किशोर सुनेगा तेरे खिलाफ? पगली, जा आराम कर। चाय रखी है। मालूम होता है अभी तक गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मैं किस पर गुस्सा करती हूँ? मुझ पर और किस पर? राज जुबान खींच रहे थे, अब आंखें निकाल लोगे? ये आंखें, इनसे तो मेरी आंखों को रोशनी मिलती है तारा। बस रहने दीजिए, मामा से आज कह दूंगी चले जाने के लिए। क्यों? दीदी को उनका यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, रात पिताजी से शिकायत कर रही थी उनकी। समझ नहीं आता दीदी ऐसा क्यों कर रही। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। खैर छोड़ो इस बात को, Thank you.
मोटाराम एक तोला अफीम दो। अच्छा लो ये गिलास बिकवा दे। अच्छी बात है। बेटी बाजार जा रही है? जी हाँ। ले इसे बेच आइयो। बहुत अच्छा। समझ में नहीं आता ये बर्तन चोरी हो कैसे गए? जहां तक मेरा ख्याल है कोई गैर आदमी तो आता नहीं घर में। घर का भी तो नहीं चुरा सकता? घर का चुरा नहीं सकता, बाहर का आ नहीं सकता, फिर भी चोरी ताज्जुब है। घर भी तो नहीं खा जाता। दरअसल बड़ों ने ठीक ही कहा है, जब बुरे दिन आते हैं तो अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। क्यों कमला बेटी ठीक है ना? पिताजी मैं आपके लिए दवा लिया। ले आ बेटी। घर का खर्ची मुश्किल से चलता है, ऊपर से चोरी बीमारी, तंग आ गया हूं मैं तो। मेरी बीमारी पर खर्च ना कर बेटा, हो जाऊंगा ऐसे ही ठीक। दवा मिल तो रही है। कितना ही करो इनके साथ फिर भी ताने। मैंने क्या ताना दिया बहू? नहीं नहीं आशीर्वाद देते हो, मैं सब जानती हूँ। बड़ों ने कहा है चोर की दाढ़ी में तिनका। कमला का चेहरा साफ बता रहा था कि बर्तन वही चुराती है। सब बोल रहे थे, वही चुप थी। हाँ मामा, बिल्कुल खामोश बैठी थी वो। गाइया है ये कमला, घर का सामान बेच बेच कर रुपया इकट्ठा कर रही है। सोचती है ना कल यहाँ से जाना पड़ा तो रुपया चाहिए रुपया। तारा कम से कम इसे तो अपनी मुट्ठी में कर ले, रुपया पैसा अपने पास ही रखा कर। या अच्छा मामा। आज जल्दी आ गए ऑफिस से? आज सिनेचर है ना? हाँ ये लो रुपए, दीदी को दे देना। मैं अपने पास रखूंगी। अच्छा तुम रख लो, दीदी जितने रुपए मांगे उन्हें दे देना। अच्छा सुनिए मुझे एक अंगूठी दिलवा दीजिए, आपका नाम खुदवाऊंगी उस पर। अच्छा दिलवा दूंगा। जब तुम कहो। तो फिर आज। अच्छा आज शाम को चलेंगे। इनके लिए एक अच्छी सी अंगूठी दिखाइए। जी बहुत अच्छा। ये बर्तन कहां से आया आपके यहां? एक लड़की बेच गई थी। आप जानते हैं उसे? जानता तो नहीं, यही कोई 25-26 वर्ष की होगी। दीदी होंगी, अलमारी की चाबी तो उन्हीं के पास रहती है। चुप रहो। कितने पैसे दूं इनके? जी 50 रुपए। ये लीजिए। तारा मैं तुम्हें अंगूठी अगले महीने दिलवा दूंगा। अच्छा किशोर क्या लाए बाजार से? बर्तन चोरी हो गए थे ना,
और लाया। तारा के लिए कुछ लिया थे, मुझे घर का ख्याल पहले है। चलो जो कुछ भी आएगा ठीक है, लाओ मैं रख दूं। क्यों, क्या फिर से बेचने का इरादा है? तारा तुम चुप नहीं रह सकती थी, जाओ यहां से। किशोर, तारा ये क्या कह रही थी कि फिर बेचने का इरादा है? क्या चोरी का शक मुझ पे है? दीदी, इस बारे में ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ ना सुनना चाहता हूँ, बस खत्म करो इस बात। मगर किशोर, कह दिया ना खत्म करो, तुम तो बात के पीछे पड़ जाती हो। तारा, दीदी ऐसा भी कर सकती है, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। दीदी के बारे में सोच सोच कर तो आप अपनी सेहत खराब कर बैठेंगे। चलिए छोड़िए, जल्दी से चाय पी लीजिए, थिएटर का वक्त हो रहा है। मैं थिएटर नहीं जाऊंगा तारा। चलिए चलिए ना, घर में इतनी परेशानियां रहती हैं, जरा घंटे दो घंटे को जी बहल जाएगा। चलिए ना। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं कोट पहन कर आता हूं। किशोर, किशोर कुछ रुपए चाहिए, पिताजी के लिए दवा लानी है। तारा से ले लो। तारा, 5 रुपए देना, पिताजी के लिए दवा लानी है। कहाँ है मेरे पास रुपए? 50 रुपए का तो बर्तन खरीदा है तुम्हारे भैया, और अभी सारा महीना पड़ा है। दवाई के लिए 2-2.5 रुपए भी नहीं है। तुम्हारे पास तो रखे होंगे, उनमें से खर्च कर दो ना। तारा मेरे पास कहाँ है रुपए? तो मेरे पास भी नहीं है। बेटी, सुना है थिएटर देखने जा रही हो? हाँ मामा, चलोगे? कौन? कमला जी? पिताजी। ले आई बेटी दवा? ले आई हूँ पिताजी। गोला दे दे बेटी। अरे दे ना। लीजिए पिताजी।
भी न पड़ा आंसुओं को भी हंस हंस के भी न पड़ा इस जहां में हमें ऐसे जी न पड़ा आंसुओं को भी हंस हंस के भी न पड़ा इस जहां में हमें खाए गई यूं तो इस दिल में तो पाए गई जुल्म देखे गई जख्म खाए गई यूं तो इस दिल में तो पाए गई यूं तो इस दिल में तो पाए गई उम्र भर फिर भी होठों को सीना पड़ा उम्र भर फिर भी होठों को सीना पड़ा आंसुओं को भी हंस हंस के पीना पड़ा इस जहां में हमें जिंदगी अपनी बर्बाद हो के कटी कभी हंस के कटी कभी रो के कटी कभी हंस के कटी कभी रो के कटी यूं ही जीते रहे यूं ही जीना पड़ा यूं ही जीते रहे यूं ही जीना पड़ा आंसुओं को भी हंस हंस के पीना पड़ा इस जहां में हमें ऐसे जीना पड़ा आंसुओं को भी हंस हंस के पीना पड़ा इस जहां में हमें कमला कमला बेटी आई पिताजी जी पिताजी क्या बात है बेटी किसी ने कुछ कहा है नहीं पिताजी जरूर कोई बात हुई है जो तुम मुझसे छिपा रही है बता क्या बात है कुछ नहीं पिताजी पिताजी मैं सोच रही हूँ कि फिर से नौकरी कर लूँ नौकरी नहीं बेटी मैं तुझे नौकरी नहीं करने दूंगा पहले ही क्या तुझ पे कम दुख है अब मैं तुझे नौकरी नहीं करने दूंगा बेटी दीदी ने मेरे हाथ का खाना नहीं खाया वो अपना खाना पकाना अलग रखना चाहती है पहले घर के बर्तन गुम होते थे अब जेवर भी गुम होने लगे हैं मेरी अंगूठी नहीं मिलती नेकलेस गुम हो गया है जरूर दीदी ने चुराया होगा दीदी तारा का नेकलेस कहाँ नेकलेस हाँ हाँ नेकलेस और अंगूठी भी मुझे क्या मालूम किशोर वो दुकान तो मालूम है जहाँ बेचकर आई हूँ किशोर बहू ये क्या कह रही है ठीक ही तो कह रही है तुम्हारा मतलब है कमला चोर है हाँ हाँ चोर है किशोर
तुझे शर्म नहीं आती इस पर इल्जाम लगाते हुए? जिस बहन ने तेरे सुख के लिए लाखों दुख सहे, जिसने तेरी जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज तू उसे चोर कह रहा है? धिक्कार है तुझ पर। पिताजी अब रहने भी दीजिए। अब बाकी क्या रह गया है बेटी? आज तुझ पर तोहमत लगाई है, कल मुझ पर कलंक लगाएगा। मुझे सब कुछ मालूम है पिताजी, मेरा मुंह ना खुलवाइए। जो कुछ कहना है आज ही कह दे किशोर, शायद फिर मौका न मिले। पिताजी। बेटी ये तेरा भाई नहीं, मेरा बेटा नहीं, ये दुश्मन है हमारा। अब इस घर में रहने का धर्म नहीं। तो चले जाओ ना, रोकता कौन है? तारा, चलो यहाँ। कमला मुझे इसी वक्त ले चल यहाँ से। कहाँ ले चलूं पिताजी? हजारों कुएं हैं बेटी, किसी में भी धक्का दे मुझे, मगर यहाँ से ले चल। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा बेटी। चुप हो जाइए पिताजी। अब मैं चुप नहीं रह सकता, अब मैं चुप नहीं रह सकता। मैं लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा, ऐ औलाद वालों, जिनके लिए तुम पेट काट रहे हो, जिनके लिए तुम खून पसीना बहा रहे हो, वो तुम्हारे बेटे नहीं, सांप है, शैतान है। इनका गला घोट दो, इन्हें भूखा मरने दो। पिताजी शांत हो जाइए पिताजी। कैसे शांत हो जाऊं बेटी? भूख किशोर को लगती थी, परेशान मैं होता था, काटा उसके चुपता था, दर्द मेरे होता था। बेटी क्या यही है बाप की मोहब्बत का बदला? पिताजी अब परमात्मा के लिए बैठते हैं, तबीयत अच्छी नहीं आपकी। नहीं नहीं बेटी, मुझे यहाँ से ले चल, मेरा दम घुट रहा है। हाँ हाँ ले चलूंगी, आप धीरे चलिए, ले चलूंगी। झगड़े घर घर होते हैं, पर कोई इस तरह घर छोड़कर नहीं चला जाता। तारा मेरा तो ख्याल है कमला ने पहले से ही चले जाने का इरादा कर रखा था। तभी तो घर के बर्तन बेचे जा रहे थे। हाँ सो तो ठीक ही है। तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे अकेला रहने। चलो तारा, इन बातों से इस बेचारे की परेशानी और भी बढ़ती है। चलो नमस्ते बहन। नमस्ते गंगा। कौन? कमला। जी पिताजी। नौकरी मिली बेटी? मिल जाएगी पिताजी। कितनी ठोकरें खा रही है तू, भाई ना लायक ना होता तो ऐसी हालत न होती, वो पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था। ऐसा न कहिए पिताजी, भैया का कोई दोष नहीं, ये तो नसीब की बातें हैं। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, आप चिंता न करें। चिंता कैसे ना करूं बेटी, तेरे खाने को दो निवाले तो होने चाहिए। अब मैं ही कुछ काम कर देखूं। क्या करेंगे आप पिताजी, आप तो खामखा परेशान हो जाते हैं। चलिए आराम कीजिए। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे, पेट की खातिर बने भिखारी, फिरते दर दर मारे, पेट की खातिर बने भिखारी, फिरते दर दर मारे।
कमला बेटी। जी पिताजी। पेट की खातिर कुछ भी करना पड़े बुरा नहीं होता। मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता बेटी। मैं कल से भीख मांगूंगा। मेरे होते हुए ऐसा सोचा अच्छा नहीं किया। मेरे मरने के बाद सोच लेना था। बेटी बेटी मुझसे भूल हुई बेटी। मुझे माफ कर दो बेटी। मुझे माफ कर दो। बहन कहीं नौकरी मिली? आज फिर ढूंढने जा रहे हैं। अगर एक मरीज और उसके बच्चे की देखभाल करो तो मैं दिलवा दूंगी तुम्हें नौकरी। हाँ हाँ जरूर करूंगी। मुझे ले चलो वहां। अच्छा चलो। वो साहब बड़ा अच्छा स्वभाव है उनका। आज 15 दिन के लिए वो बाहर जा रहे हैं। आ गंगा तुम मुझे कहाँ ले आई? मैं यह काम नहीं करूंगी। मैं यह काम नहीं करूंगी। कमला जाता तो नहीं लेकिन जाना जरूरी है। सरकारी काम है। हाँ हाँ सरकार का हुक्म मानो और मुझे गोली मार दो। मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? तुम्हारी तो कोई और है। हाँ। फिर वही बात। कितनी बार कहा है कि अब तो इन बातों को छोड़ दो। जानती तो हो कि इससे तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो जाती है। अच्छा अब मैं जाता हूं। जाओ ना। मैंने क्या तुम्हारे पैर बांध रखे? पिताजी मैं भी हाँ हाँ सब चले जाओ। रामू तू भी चला जा। बेटा तुम माँ के पास रहो। हम तुम्हें बहुत सारे खिलाने ला देंगे। हाँ रामू तुम मुन्ना को वो सीटी दे दो। जाओ बेटा। वेरी गुड बॉय। तू नहीं समझती गंगा मैं यहाँ काम नहीं कर सकती और ना ही वजह बता सकती हूँ। अपना नहीं तो अपने पिताजी का तो सोचो। देख तो लिया कि नौकरी मिलनी आसान नहीं। लो साहब भी गए। उनसे तनख्वाह की बात हो जाती तो कितना अच्छा होता। अब 15 दिन बाद आएंगे। मालती ये नौकरी के लिए आई। पढ़ी लिखी है। लो मुन्ने दूध पियो। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मामा दूर के को पुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में।
चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। मेरा मुन्ना वापिस घर को आएगा, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। ओ चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। जितनी तुम मेरी सेवा कर रही हो अपनी सगी बहन भी नहीं कर सकती। तुम मुझे बहनी कहकर पुकारा करो। जो आपकी इच्छा, बहनी कहा करूंगी। मैं भी तुम्हें बहनी कहा करूंगी। जब भी मैं तुम्हारा नाम लेती हूं मुझे उस पापन कमला की याद आ जाती है। क्यों, क्या बिगाड़ा है उसने आपका? उसने मेरी गृहस्थी में आग लगा दी, मेरा सुख लूट लिया, मेरे पति को छीन लिया उसने। पति को छीन लिया? क्या वो सचमुच आपसे प्रेम नहीं करते? कैसा प्रेम? उनका प्रेम मुझे एक नाटक मालूम होता है। उनकी बातों में बनावट और रुखाई की झलक दिखाई देती है, जैसे हमेशा उसी के ध्यान में रहते हो। मैं तो समझती हूं उससे मिलते भी होंगे, 8-10 दिन को बाहर तो जाते ही रहते हैं। आपको मालूम कर लेना चाहिए था, हो सकता है आप ही का ख्याल गलत हो। उन्होंने शादी के बाद शायद उस लड़की की सूरत भी ना देखी हो। मुझे यकीन नहीं, सुनती हूँ उस लड़की ने अभी तक शादी नहीं की। शादी ना करने की और कोई वजह भी तो हो सकती है? नहीं, वो सिर्फ मुझे बर्बाद करना चाहती है। वो मेरे मरने की राह देख रही है। उस कुल्टा की याद आते ही मेरी बीमारी पड़ जाती है। बेटी 5 रुपए दे दे, अफीम खत्म हो गई है। परसों तो दिए थे मामा, कहां से 2 रुपए? छोड़ क्यों नहीं देते अफीम? छोड़ दूंगा धीरे धीरे, लाइस वक्त तो दे दे पैसे। सच कहती हूँ मामा, नहीं है पैसे मेरे पास। हाँ ये बटन बेचने तुम्हारे ही हैं? और किसके होते? किसकी लड़की हो तुम? मोटाराम अफीम वाले की। बाबूजी जरा सुनिए, यही वो लड़की है जो बर्तन बेच गई थी, आज ये बर्तन लेकर आई है। ये तो मेरे हैं, कहां से मिले तुम? मिलते कहां से, खरीदे घासीराम मुनीम से, अफीम मुफ्त नहीं मिलती। तारा, तारा,
शादी में छेद करता है। निकल जाइए। क्या हुआ? मेरा मामा चोर है, ये कमीना चोर है। इसी ने बर्तन चुराए थे और इसी ने बर्तन चुराए। तुम भी तो मेरी बहन पे इल्जाम लगाती थी। तूने और इस चंडाल ने मेरी बेकसूर दीदी और मेरे अंधे बाप को घर से बाहर निकाल दिया। चले जाओ यहां से, वरना मैं दोनों का खून कर दूंगा। चले जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। इसने मुझे बहकाया। ये मामा नहीं, मेरा दुश्मन है। निकल जाओ यहां से। चोर, डाकू, तुमने मेरे ही घर में डाका डाला। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। ये लो अपना सामान। दुश्मनी करने के लिए मैं ही मिली थी। दगाबाज, खबरदार जो फिर इधर आए। मेरी अफीम की डिबिया भी दे दे। परमेश्वर के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं, पिताजी तुम्हें माफ कर सकते हैं, दीदी तुम्हें माफ कर सकती है। कितना बड़ा जुल्म हुआ उनके साथ। कौन कमला? नमस्ते मुनीम जी। नमस्ते। तुमने यहाँ आकर प्रेम बाबू को मुट्ठी में कर लिया, अच्छा किया। पर बेटी मेरी भी सिफारिश कर दे, मैं भी यहाँ दरवाजे पर पड़ा रहूंगा। तेरे भाई ने मुझे निकाल दिया, उसका मुझे गिला नहीं। बस तू मेरा यहाँ रहने का इंतजाम कर। मुनीम जी, मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ। प्रेम बाबू कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, उनके आने से पहले ही चली जाऊंगी यहाँ से। और सुनिए, श्यामा बहन से न कहिएगा कि मैं वही अमला हूं जिसका वो नाम भी सुनना नहीं चाहती। हरे हरे कहो बेटी, जब तू मना करती है तो कोई मैं पागल हूं जो कहूंगा? क्या ये वही कमला है? हाँ हाँ, वही नागन। नौकरी के बहाने तुम्हें गंगा मुन्ने के दूध देने का वक्त हो गया है। नौकरी के बहाने ये कमला तुम्हें खत्म करने आई है। जिस तरह तोला भर अफीम का खाया आदमी नहीं बच सकता, वैसे ही इस नागन का काटा पानी नहीं मानता। हाँ नीम जी। हाँ बहुरानी, मैं अभी आता। जिस तरह तोला भर अफीम का खाया आदमी नहीं बच सकता, वैसे ही इस नागन का काटा पानी नहीं मानता। हाँ पिताजी, मैं चलती हूँ और आज तक के पैसे लेकर आ जाऊंगी। क्यों बेटी? यूं ही पिताजी, अब मेरा वहां काम करने का मन नहीं चाहता। उस कमरे में रहते हैं
शुक्रिया, आता रहा। अच्छा पिताजी, चलती हूँ। पिताजी, पिताजी। किशोर, छोड़ दे मेरे पांव। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भूल हो गई। भूल तो मुझसे हुई है, पैदा होते ही तेरा गला घोट देता तो अच्छा था। चला जा यहाँ से, छोड़ दे मुझे, चला जा यहाँ से। पिताजी, तू कुछ ना बोल बेटी। मेरे मामा का कसूर था, हमें माफ कर दीजिए पिताजी। मेरे पांव को हाथ ना लगाओ बहू। जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे, मैं आपके पांव नहीं छोड़ूंगी। पिताजी, इन्हें माफ कर दो, इनकी कोई गलती नहीं। कमला, गुजरी बातों को भूल जाइए पिताजी, जो कुछ होना था हो गया, इन्हें माफ कर दीजिए। उठो बहू, उठो। किशोर, मेरे बेटे। पिताजी, किशोर, पिताजी, किशोर। दीदी, चलने की तैयारी करो, हम अभी घर जाएंगे। अच्छा किशोर। पिताजी, मैं श्यामा देवी से कह हूँ कि मैं वहां काम नहीं करूंगी। छोड़ो भी दीदी। नहीं किशोर, कम से कम उनसे कहना तो चाहिए, मैं अभी आती हूँ। कमला, आओ बैठो। श्यामा बहन, माफ करना, आज से मैं काम नहीं करूंगी, मैं अपने घर जा रही हूं। क्यों? ये भी तो तुम्हारे घर है। ये तो आपका बड़ापन है, मगर मुझे जाना ही होगा। कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। अच्छा ठहरो, आज मैंने मंगल का प्रसाद बांटा है, इसे तो खाती जा। बहू रानी, सुगंधी सूंघता सूंघता चला आ रहा हूं। ओ, हलवा बनाया? हलवा? हाँ, आज मंगल है ना, मैंने उसी का प्रसाद बांटा है, लीजिए। जीती रहो बेटी, प्रसाद तो खाना ही पड़ेगा, मंगल रोज रोज थोड़े ही आता है। मुनीम जी, आपको दूसरों का प्रसाद खाते हुए शर्म नहीं आती? दे दीजिए से कमला को। आप नहीं समझती बहू रानी, प्रसाद को मना करने से नरक होता है नरक। रख दीजिए से यहाँ पर, मैं कहती हूँ रख दीजिए, और अपना हिस्सा जाकर रामू से ले लीजिए। लो बहन, खाओ। आपने ने बेकार डांटा। मैंने ठीक ही किया है, बुरी आदतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, तुम खाओ, खाओ खाओ। यूं ही चक्कर से आ गया। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। प्रेम बाबू, कहाँ जा रही हो? तुम शायद नहीं जानती कि तुम्हें यहां देखकर मुझे कितना सुख हो रहा है, और आप शायद नहीं जानते
कि मुझे कितना दुख हो रहा है। मैं समझा करती थी कि आप देवता हैं, मगर आप देवता नहीं, एक ऐसे इंसान हैं जिसमें इंसानियत नहीं खुदगर्जी है। आज की स्त्री अपना सब कुछ देकर आपसे प्रेम की भीख मांगती रही और आप स्वार्थी प्रेम का सहारा लेकर उसे ठुकराते रहे। प्रेम बाबू, आपने पति के फर्ज को भुलाकर उस बेचारी को मौत के मुंह में धकेल दिया है। वह बीमार है मगर उसके होंठों पे अब भी प्रेम की पुकार है। उसके होंठों पर प्रेम की पुकार नहीं, जलन है, तिरस्कार। मैं तुमसे निराश होकर श्यामा के साथ सुख से रहना चाहता था, तुम्हें भूलना चाहता था, मगर उसका शक्की दिल हमेशा हमारे प्रेम पर शक लेता रहा। वो बीमार, यकीन करो कमला, मैं जान देकर भी उसे बचाने की कोशिश करूंगा। मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप दोनों सुखी रहें। अच्छा, मैं जाती हूँ। कमला, कमला, श्यामा, श्यामा, रामू, मेरा बैग ला। अब मैं नहीं बचूंगी, कमला बहन को बचाओ, मैंने इसे अफीम खिला दी। अफीम? 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 बहू रानी, तुम्हें अफीम कहाँ से मिली? आपकी डिबिया में से। मेरी डिबिया में से? मेरी डिबिया में तो अफीम थी नहीं। तीन दिन से मैं माजून पर गुजर कर रहा हूँ, इन्हें कुछ नहीं हो सकता। बहू रानी, तुम बेफिक्र रहो। अच्छा हुआ मैं इस महापाप से बच गई। कमला बहन, अब मैं इन्हें और मुन्ने को तुम्हें सौंपती हूँ, मुझे माफ करना बहन। कमला बेटी, मेरे पापों का हिसाब तो भगवान के ही घर होगा, पर तुम मुझे माफ कर दो। दरअसल मैंने कुछ किया, जो कुछ किया है इस कमबख्त अफीम ने किया है, ठीक ही देता हूँ।